गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। ओके लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हर्ष, व्हाट इज डेट टुडे? मैम 2 सितंबर। सेकेंड सितंबर। ओके यस मैम। ओपन योर बुक। टेक अ पेन। ऑल्सो ओपन योर नोटबुक, रफ नोटबुक। मैम यस मैम, मैं क्लास में अभी जॉइन हूं, मेरे को नहीं पता आप क्या करा रहे हो। बेटा बता देंगे आपको, अपनी बुक तो ओपन करो पहले। ओके तो लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था, कौन बताएगा मुझे? हर्ष। मेरी क्लास नहीं लगी थी तो मेरे को नहीं पता मैम कल आपने क्या करवाया। हम कल टीचर ज्वाइन किया नहीं बेटा, कल क्लास नहीं लगी थी आपकी। आज हम डिस्कस करेंगे, लास्ट डे हमने डिस्कस किया था सीपीयू। सीपीयू हैज 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज वंशिका। एक्सक्यूज मी मैम। मैम आप कौन सा चैप्टर करा रहे हो? बेटा चैप्टर 1 है, फर्स्ट चैप्टर है, पेज नंबर 8। टर्न ऑन पेज नंबर 8। मैम ओपन। ओके गुड। सीपीयू हैज 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज मैम ALU। ALU means arithmetic and logic unit. ALU means arithmetic and logic unit. Logic unit. Arithmetic and logic unit. Okay. Next one is CU. CU means control unit. It controls all the activities of the computer. Control unit क्या करता है? Computer की हर एक activity, all activity को control करता है. Okay? जो भी computers की activities हैं, जो भी हम उस पर काम करते हैं, तो control unit क्या करता है? उसको control करता है, उसकी activities को control करता है. Okay? Okay मैम। Next है MU. मैम MU। MU means what is the full form of MU? Unit is a stories, data and full form beta, full form of MU, memory unit. MU means memory unit. मैम आप ज्वाइन हुआ, मैम मुझे नहीं पता आप क्या करवा रहे हो। बेटा पेज नंबर 8 ओपन करना है, उस पे सीपीयू करवा रही हूँ बेटा। ओके मैम। तो एमयू क्या है? मेमोरी यूनिट, जिसका क्या काम है? इट स्टोर्स डाटा एंड इंफॉर्मेशन टेम्परली, ठीक है? ये क्या करता है? मेमोरी, जैसे आपकी मेमोरी है, आपकी मेमोरी कहाँ है? ब्रेन में। तो यहाँ पे सब कुछ स्टोर होता है, वैसे ही कंप्यूटर की मेमोरी कहाँ होती है? सीपीयू में। ओके कंप्यूटर की मेमोरी ज्वाइन है, मुझे नहीं पता आप क्या करा रहे हो। मैम सीपीयू में।
सीपीयू में वेरी गुड बेटा, पेज नंबर 8 ओपन करो, वहां पे ये पेज ओपन करना है आपने। ओके इसको समझ में नहीं आ रही, देख लो यहाँ पे पेज नंबर 8 ओपन करना है। गुड तन्मय, वेरी गुड। ओके तो मेमोरी यूनिट कहाँ पे होती है? सीपीयू में। कहाँ होती है मैम? सीपीयू। गुड। और सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वेरी गुड। सीपीयू मींस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो मुझे आप जिससे पूछूंगी वही बताएगा। फर्स्ट है डैश डिवाइसेस आर यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट। कौन बताएगा? यशिका? यस मैम। डैश डिवाइसेस आर यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट। मैम आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस। ओके मार्क कर लो उसको बुक में। आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट। ओके चलो एक बार फिर से समझ लेते हैं, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग। ठीक है एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। इनपुट क्या है? इनपुट क्या है? एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर। आप क्या करते हो कंप्यूटर में लाइक दिस, देखना यहाँ पे, देखना चेक करना बेटा। वेट फॉर अ मिनट। ये आपका मॉनिटर है, दिख रहा है सबको मॉनिटर? यस मैम। तो इसमें हम कैसे अपने डालेंगे, कैसे डाटा एंटर करेंगे विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड दिख रहा है सबको? यस मैम। हाँ, तो इससे हम क्या करते हैं कंप्यूटर में अपना डाटा जो है वो एंटर करते हैं। किसकी हेल्प से? कीबोर्ड की हेल्प से। और ये माउस है साथ में, तो माउस से भी हम कंप्यूटर में अपना डाटा एंटर करते हैं। ओके जब हम इसमें डाटा एंटर करते हैं तो वो क्या है? इनपुट यूनिट, इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइस कौन सी हुई हमारे पास? कीबोर्ड एंड माउस। ओके यस मैम। गुड। तो आउटपुट डिवाइस क्या है? आउटपुट डिवाइस आपके पास है, अब हम आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे कि आउटपुट डिवाइसेस क्या है। आउटपुट डिवाइसेस पेज नंबर 9 ओपन करो। आउटपुट डिवाइसेस शो द रिजल्ट ऑफ द वर्क डन बाय द कंप्यूटर। आउटपुट डिवाइसेस क्या है? जो रिजल्ट शो करती हैं किस पे? जो कंप्यूटर पे आपने अपना डाटा एंटर किया है, अपना कीबोर्ड की हेल्प से या माउस की हेल्प से आपने डाटा एंटर किया है, उसका रिजल्ट शो करती है। रिजल्ट मींस तो ये जो कंप्यूटर
है हमारे पास, इसमें मैंने कीबोर्ड से अपना डाटा एंटर किया तो आउटपुट कहाँ नजर आएगी मुझे? मॉनिटर पे। आउटपुट कहाँ नजर आएगी? मॉनिटर पे। रिजल्ट कहाँ मिलेगा मुझे? मॉनिटर पे। ओके इज इट क्लियर? ओके मैम, समझ आ रहा है बेटा? यस मैम। आउटपुट डिवाइसेस क्या है? राइट डाउन द डेफिनेशन आउटपुट डिवाइसेस। राइट डाउन द डेफिनेशन ऑन योर रफ नोटबुक। आउटपुट डिवाइसेस शो द रिजल्ट ऑफ वर्क। आउटपुट डिवाइसेस शो द रिजल्ट ऑफ द वर्क डन बाय द कंप्यूटर। शो रिजल्ट ऑफ द वर्क। लिख रहे हो बेटा? लिखना है आपको रफ नोटबुक में। एक्सक्यूज मी मैम, मैम साइन मैम ये पेन नोटबुक में। एक्सक्यूज मी मैम, आउटपुट डिवाइसेस शो द रिजल्ट ऑफ द वर्क वर्क डन बाय द कंप्यूटर। एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम, हमने पेन से लिखना है बुक में। बेटा पेन से ही लिखना है रफ नोटबुक में। और मैम बुक में भी? बुक में क्यों लिखना है बेटा? बुक में क्यों? बुक में तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। आपको रफ नोटबुक में लिखना है पेन से। ओके मैम। मैम फिर हम नहीं से तो पढ़ना। मैम फिर हम इसको फिर नोटिस बोर्ड पे आपको होमवर्क मिलेगा। ओके मैम, ये भी हमने फिर नोटबुक में लिखना है। अभी आपको रफ नोटबुक में लिखना है इसको, ठीक है? जब नोटिस बोर्ड पे होमवर्क मिलेगा वो फिर में करना है आपने। ओके ओके गुड। वर्क डन बाय द कंप्यूटर लिख लिया सबने? वर्क डन बाय द कंप्यूटर। ओके अब कौन बताएगा मुझे कि आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं? मैं भाई कैसे? आप बताओ बेटा। मॉनिटर, प्रिंटर, प्रिंटर मैम, पोलर। बेटा पोलर नहीं है, ये स्पीकर्स हैं। स्पीकर्स मैम, प्रिंटर, प्रिंटर नेक्स्ट लास्ट है। देखो बेटा यहाँ पे देखो एग्जाम्पल क्या है। कर्व मॉनिटर, ये देखो ये मॉनिटर है, दिख रहा है सबको मॉनिटर? यस मैम। ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ओके गुड। नेक्स्ट है आपका प्रिंटर। तो प्रिंटर
ये जैसे कि पिक्चर में है, ये फोटो देखो आप, यहाँ पे ये प्रिंटर है, दिख रहा है सबको प्रिंटर? यस मैम। तो यहाँ पे हम पेजेस डालते हैं और जो पेज है जब हम कंप्यूटर से कमांड करते हैं तो हमारे पास पेज, हमारे पास क्या आती है, आउटपुट आती है। ठीक है, मैंने कंप्यूटर पे कुछ भी लिखा, मैंने कंप्यूटर को कमांड की कि मुझे वो चीज, मुझे वो प्रिंट पेपर जो है वो प्रिंट करके आउटपुट चाहिए उसकी। ठीक है, तो मैं किसकी हेल्प लूंगी, प्रिंटर की। यहाँ पेपर डालूंगी और यहाँ से पेपर जो है वो प्रिंट होके बाहर निकल आएगा। ओके, क्लियर? यस मैम। गुड। यस मैम। प्रिंटर इज यूज्ड टू, कौन बताएगा, कार्तिक? यस मैम। प्रिंटर्स कहाँ यूज होते हैं, किसके लिए यूज होते हैं बेटा? मैम पेपर आउट, पेपर प्रिंट करने के लिए, हमें पेपर प्रिंट करने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, प्रिंटर का। जैसे आपकी ये बुक है, ये पेज है बुक का, ठीक है, ये मुझे, ये मेरे कंप्यूटर पे मैंने रखा है ये पेज, अब मुझे पेपर में चाहिए, कंप्यूटर पे वो पेज नहीं चाहिए, मुझे पेपर पे चाहिए वो पेज, तो मैं क्या करूंगी, इस प्रिंटर की हेल्प से यहाँ पे पेजेस डले होते हैं और मैं कंप्यूटर को कमांड करती हूँ तो वो क्या है, मुझे वो पेज, ये पूरा पेज मुझे प्रिंट करके दे देगा। ओके, यस मैम। बेटा उस पे कुछ भी नहीं लिखा है, आपको ये समझना है, प्रिंटर बोर्ड पे कुछ भी नहीं लिखा है, इसको देखो आप, पिक को देखो, पिक्चर को देखो यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है स्पीकर्स, नेक्स्ट है स्पीकर्स, ये भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर क्या है मैम? मैरिज में गए होंगे, वहां पे स्पीकर्स लगे होते हैं, अब डांस करते हो तो स्पीकर्स लगे होते हैं वहां पे। यस मैम। देखिए स्पीकर्स, तो वो क्या करते हैं, वो कोई भी म्यूजिक वहां पे चला हो तो स्पीकर क्या करते हैं, आउटपुट देते हैं, उसकी साउंड कितनी ज्यादा होती है, साउंड देते हैं ना, वो आवाज आती है वहां से, तो दे हेल्प यू टू लिसन म्यूजिक एंड साउंड। स्पीकर्स देखिए इस तरह के होते हैं ये स्पीकर्स, जो आपने मैरिज में भी देखे होंगे, स्कूल में फंक्शन होता था या मैरिज में, कोई मैरिज है किसी की तो वहां पे स्पीकर्स यूज करते थे, वो डांस करते थे, गाने सुनते थे, म्यूजिक सुनते थे, है ना, तो स्पीकर्स क्या देते हैं, आउटपुट। ओके, इज इट क्लियर? ओके मैम। ओके मैम, सबको क्लियर है? यस मैम। सबको क्लियर है कि स्पीकर का यूज कहाँ होता है? ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद मैंने पूछना है स्पीकर का यूज कहाँ करते हैं, स्पीकर का यूज कहाँ होता है। ओके, नेक्स्ट है प्लॉटर, नेक्स्ट वन इज प्लॉटर, कौन बताएगा मुझे, हरप्रीत? यस मैम। प्लॉटर इज यूज्ड टू टेक अ लार्ज print out of drawing on a paper sheet. Plotter is used to take a large print out of drawings on the paper sheet. On the drawing. Take a large print out. अब plotter, ये picture में देख रहे हो आप, इस तरह का plotter होता है, ठीक है, ये जो पिक्चर बनी है इस तरह का प्लॉटर होता है, ये बहुत बड़ी मशीन होती है, जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर एक छोटी मशीन है, प्लॉटर जो है बड़ी मशीन होती है। अब इसमें क्या प्रिंट होता है, इसमें आपका
बड़ा जो बड़ा पेपर है, लार्ज ग्राफिक है, लार्ज साइज ऑफ पेपर है, वो प्रिंट होता है। ठीक है, मैं आपको क्लियर करती हूँ अभी। जैसे प्रिंटर की हेल्प से हम ये पेज प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंटर की हेल्प से हम इतना सा पेज प्रिंट कर सकते हैं, बट प्लॉटर की हेल्प से हम लार्ज साइज ऑफ पेपर, लार्ज साइज ऑफ प्रिंट आउट ड्रॉइंग हम प्रिंट करवा सकते हैं। किसकी हेल्प से? प्लॉटर की हेल्प से। मैम जैसे न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के लिए अलग से मशीन होती है। ठीक है, वैसे ही समझ लो प्लॉटर की। जैसे यहाँ पे आपने स्कूल में देखा होगा कि बहुत ऐसे यहाँ बहुत बड़ी पिक्चर बनी हुई है, वहां पे लिखा है स्कूल का एड्रेस, लिखा है स्कूल का एड्रेस लिखा है, और ये भी लिखा है कि नर्सरी टू प्लस टू, बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है ना वहां पे, देखा है आपने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो वो किस पे डिजाइन है? वो प्लॉटर पे डिजाइन है। ओके, वो किस पे डिजाइन है? प्लॉटर डिजाइन है। प्लॉटर पिक्चर्स को डिजाइन करता है। किसको? ग्राफिक्स को, ड्रॉइंग को डिजाइन करता है। ओके ओके मैम। यस मैम। गुड मैम। यस। आउटपुट डिवाइसेस में आपने क्या लिखना है? फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट डिवाइस कौन सी है? मॉनिटर। राइट डाउन मैम, रफ कॉपी में लिखना है बेटा, रफ नोटबुक में लिखो, रफ नोटबुक में मॉनिटर। सेकंड पॉइंट है, कौन बताएगा? मैम प्रिंटर। प्रिंटर, प्रिंटर, प्रिंटर मैम, प्रिंटर। गुड। प्रिंटर। स्पीकर। नेक्स्ट, मैम इनको हम लिख सकते हैं मैम बुक में, स्पीकर। हीटर। थर्ड पॉइंट है स्पीकर्स। हम स्पीकर एक्सरसाइज इधर देखना है मैडम, क्या कुछ देख रहा मैम? प्लॉटर। हम प्लॉटर। हम प्लॉटर। हम प्लॉटर। सबने लिखना है, मैं सबकी नोटबुक चेक करूंगी, रफ भी और फेयर भी। ओके, फोर्थ पॉइंट है प्लॉटर। फोर्थ पॉइंट है प्लॉटर, जो लार्ज साइज ऑफ पेपर को प्रिंट करता है। ओके, क्लियर? यस मैम। लिख लिया सबने? यस मैम। गुड। नो यस मैम। नो मैम। नो मैंने नहीं किया। लिखो जल्दी से, लिखो जल्दी से, लिखो। मैम डन। मैम डन। गुड मैम। नो मैम। मैम डन। मैम डन। गुड गुड। लिख लिया सबने? मैम आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एंड प्लॉटर। ओके ओके मैम। मैम डन। गुड प्लॉटर। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक प्रीति। प्रीति नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास?
Ridhima. Excuse me. I can say. Yes. I can say. Yes, beta. Storage devices. Next hai storage devices. Write down. And excuse me, ma'am. Yes. मैम हम मल्टी चॉइस क्वेश्चन करवा रहे थे बेटा, वो मैं करवा दूंगी, पहले ये लिखो, वो करवा दूंगी साथ साथ में, ठीक है? ओके. स्टोरेज डिवाइसेस. मैम मेरी डिस्कनेक्ट हो गई, मैम पता नहीं आप क्या करवा रहे हो. बेटा मैंने आउटपुट डिवाइसेस कराया है, जो हमें आउटपुट डिवाइसेस शो द रिजल्ट ऑफ द वर्क डन बाय द कंप्यूटर. आउटपुट डिवाइसेस क्या है? आउटपुट क्या है? हमें जो हम काम करते हैं, जो हम वर्क करते हैं कंप्यूटर पे विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, तो हमें मॉनिटर पे वो आउटपुट देता है, ठीक है? तो आउटपुट डिवाइसेस क्या है? जो हमें रिजल्ट शो करता है. और इससे इसके एग्जांपल्स हैं मॉनिटर, प्रिंटर, हम कुछ पेजियम मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा. पेज नंबर मैम आपकी आवाज कट के आ रही है. मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है. मैम यो वॉइस मैं पेज नंबर मैम आप एक जगह ही रुक. मैम पेज नंबर मैम में नेटवर्क इशू. मैम रोल नंबर डिवाइसेस आर नीडेड टू Yes, ma'am. These devices are needed to store data and information. अब storage devices क्या है? आपके पास memory है, भी बोलना जाता है, वो आप अपने brain में रख. Page number 9 open किया सभी ने? Yes, ma'am. तो मैं बात करती हूँ, जैसे आप लोगों की मेमोरी है, आप लोग जो मैं यहाँ से बोल रही हूँ उसको स्टोर कर रहे हो अपनी मेमोरी में, अपने ब्रेन में. वैसे ही कंप्यूटर को हम जो भी डाटा देते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, वो उसको क्या करता है? स्टोर कर लेता है अपनी मेमोरी में, ठीक है? क्लियर? यस मैम. गुड. कार्तिक This man. Read करो बेटा storage devices. Ma'am. Yes. Ma'am आपने हमसे क्यूज करा दिए. क्यूज कराने हैं मैंने अभी storage devices कर रहे हैं. Excuse me, ma'am. I can read. Excuse me, ma'am.
कार्तिक कार्तिक सिंह आप पढ़ो इसको बेटा. एक्सक्यूज मी मैम. यस मैम आपने अटेंडेंस ले ली है? बेटा अटेंडेंस आपकी ले ली है मैंने यहाँ से. बाकी जो क्लासेस लगेंगी वो भी टीचर्स आपकी अटेंडेंस लेंगे. ठीक है अभी जो मैं करा रही हूँ वो पढ़ना है आपने. ठीक है कौन पढ़ेगा इसको? हर्ष. हर्ष. यस मैम. स्टोरेज डिवाइसेस रीड करो. दिस डिवाइस आर नीडेड टू स्टोर डाटा इन इंफॉर्मेशन. दीज डिवाइसेस आर नीडेड टू स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन. ये डिवाइसेस इसको इस डिवाइसेस की जरूरत कहाँ पड़ती है? क्या काम है इसका? ये स्टोर करता है इसको डाटा और इंफॉर्मेशन को जो हम कंप्यूटर पे देते हैं. ठीक है क्लियर? यस मैम. एक्सक्यूज मैम मैम मेरे ब्रदर की क्लास मैम मेरे ब्रदर की क्लास लगनी है. अपनी क्लास डिस्ट्रैक्ट पहले अपनी क्लास लगा लो आप. आर्यन. यस मैम. नेक्स्ट लाइन रीड करो स्टोरेज डिवाइसेस की. मैम कौन सी? बेटा पेज नंबर 9 स्टोरेज डिवाइसेस कर रहे हैं हम लोग. मैम ये वाला बेटा ये लाइन सेकंड पैराग्राफ जो है इसमें स्टोरेज डिवाइसेस और मेमोरी यूनिट्स यहाँ से स्टोरेज डिवाइसेस आर इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. नाउ स्टोरेज डिवाइसेस और मेमोरी यूनिट्स आर इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम. तो ये क्या है? इसके अंदर इसके पार्ट्स होते हैं कहाँ? सीपीयू में. सीपीयू में इसकी मेमोरी होती है. स्टोरेज डिवाइसेस और मेमोरी यूनिट एक ही बात है. ठीक है कहाँ ये स्टोर करता है? अपनी मेमोरी में. तो कंप्यूटर के इंटीग्रल पार्ट है ये. इनसाइड होते हैं इसके अंदर होते हैं. ठीक है ओके. नाउ लेट्स यू चलो सब लोग अब पेज नंबर 8 पे देखो. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. पेज नंबर 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. एंड व्हिच पेज नंबर? पेज नंबर 8. थैंक यू मैम. फर्स्ट है डैश डिवाइसेस आर यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट. अभी बताया था आप. कौन बताएगा मुझे? आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट. ओके आउटपुट डिवाइसेस क्या करते हैं? रिजल्ट को डिस्प्ले करते हैं. कहाँ? मॉनिटर पे. मॉनिटर पे डिस्प्ले करते हैं. ठीक है नेक्स्ट है कौन पढ़ेगा इसको? शबनम. शबनम सॉरी शबनम. यस मैम. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्वेश्चन कर रही हूँ. पढ़ो बेटा जल्दी से. बिल्कुल कंप्यूटर. कृति आप बताओ.
Ma'am, data. 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 Into the computer. Into devices are used to enter data. Used to enter. Data. Data. Very good. Input devices are used to enter data into the computer. ठीक है, हम कंप्यूटर पे क्या एंटर करेंगे? डाटा. किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ मैम. डाटा. मैम डाटा. किसकी हेल्प से हम डाटा एंटर करेंगे? विद द हेल्प ऑफ डाटा. डाटा की